हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से होली स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है पोहा संगम बर्फी। और इस बर्फी में हम केवल 1 चम्मच घी डालेंगे और बिना खोया, बिना मेवा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे और खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और इतनी टेस्टी बनती है कि मुंह में डालेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह घुल जाएगी और सस्ती इतनी कि आपके बजट में फिट और स्वाद में सुपर डुपर हिट। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए। इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको एवरीडे मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। बर्फी बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए उसमें सबसे पहले हम लेंगे पोहा। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा ले लिया है। और जो पोहा हमें चाहिए वो पतले वाले पोहे चाहिए, मोटे वाले पोहे मत लीजिएगा, उससे बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा ले लिया है और साथ में मैंने लिया है सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली आधी कटोरी सूजी ले ली है। अगर आपके पास इस तरह से बारीक वाली सूजी नहीं है तो मिक्सी में थोड़ा सा सूजी को चला लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। तो पोहे के नाप से आधी कटोरी मैंने सूजी ली है और मिठास के लिए मैंने लिया है आधी कटोरी थोड़ा सा ज्यादा चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पिसा हुआ नारियल, जिसे हम गरी का बुरादा भी बोलते हैं। ये आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको लीजिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 1 चम्मच घी, आप चाहे तो इसकी जगह पे रिफाइंड बटर जो चाहे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 ग्लास दूध, जिससे हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे। तो बस यही चीज चाहिए हमें बर्फी बनाने के लिए। और फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जल, रोज वाटर, आप चाहें तो इसको इसमें डालिए, नहीं तो इसकी जगह पे इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, या जो फ्लेवर आप खाना चाहें वो इस बर्फी में ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब एक छन्नी पे मैंने पोहा डाल दिया है। अब हम 2 ग्लास पानी से इसको वॉश कर लेंगे, जिससे अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और इससे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पानी से इसको धो लेंगे और ऐसे चलाते हुए इसको हम 2 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसको छोड़ दिया है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए हमारा पोहा अच्छे सूख गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और बर्फी बनाने के लिए हमें इसी तरह से पोहा चाहिए सॉफ्ट। अब हम इसको साइड में कर देते हैं और एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच घी डाल देते हैं। अभी हम 1/2 चम्मच ही घी डालेंगे और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे सूजी। और सूजी को बिल्कुल धीमी आंच में हमें 1 मिनट तक के लिए फ्राई करना है ताकि सूजी का जो कच्चापन है बस वही निकल जाए। तो केवल 1 मिनट तक के लिए इसको धीमी धीमी आंच पे इसको हम भूनेंगे। तो इस तरह से 1 मिनट तक मैंने सूजी को भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पोहा जो हमने धो के रखा था। तो इस तरह से मैं इसमें पोहा डाल दूंगी और पोहे को सूजी के साथ में बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इस तरह से भूनेंगे ताकि जो पोहा है उसका कच्चापन निकल जाए और सूजी भी अच्छे से भून जाए। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए ऐसे लगातार भूनना है। जब अच्छे से ये भून जाएगा तो इसमें 1/2 चम्मच जो घी बचा के रखा था वो डाल देंगे। मैंने सारा घी पहले से नहीं डाला था क्योंकि सूजी सारा घी ऑब्जर्व कर लेती, तो इसलिए हम 1/2 करके 2 बार में घी डालेंगे। अब इसको हम धीमे धीमे चलाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको भूनती जाऊंगी। आप देख सकते हैं सूजी और पोहा अच्छे से भून गया है और कितना ये ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसा हुआ नारियल। नारियल हमें इसी टाइम डालना है, पहले नहीं डालना है। अब इसको हम नारियल डाल के 1 मिनट तक के लिए चलाते जाएंगे ताकि नारियल भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और जब सब अच्छे से भुन जाएगा कुछ इस तरह से हमें ऐसा टेक्सचर चाहिए, ड्राई ड्राई बिल्कुल खिला खिला। और जब सब अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैं डाल देती इसमें चीनी और चीनी के साथ में इसमें डाल देंगे दूध। और दूध के साथ में इसको हम चलाते जाएंगे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे और तब तक चलाएंगे जब तक सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और आंच को बिल्कुल धीमे रखिएगा क्योंकि सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है, तो हमें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको चलाना है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे, जब भी सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी रोज वाटर फ्लेवर के लिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने रोज वाटर डाल दिया है। अब हमें केवल इसको चलाते जाना है ताकि अच्छे से ये थिक हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी कैसे हमें थिक करना है।
देखिए जब इस तरह से थिक होता जाएगा और इसको हम चलाते जाएंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं सारा सूजी और जो पोहा है अच्छे से फूल गया है। और जब ये इस तरह से इकट्ठा हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम इसको सेट करने के लिए ट्रे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट करने के लिए ट्रे ले ली है। आपकी जगह पे प्लेट थाली जो आपके पास है उसमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि जो हम बर्फी निकाले तो आसानी से निकल जाए। हमारी जो बर्फी का डो है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत ठंडा हमें नहीं करना है, हल्का हल्का सा गर्म रखना है, नहीं तो इससे अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा ये प्लेट पे। अब हम इसको फैलाएंगे। तो फैलाने के लिए चम्मच से हम इसको अच्छे से फैला देते हैं। जितना थिकनेस आपको बर्फी का चाहिए उतने थिकनेस के हिसाब से इसको फैला दीजिए। आप देखिए मैंने बर्फी को अच्छे से फैला दिया है। नॉर्मल जितनी थिकनेस चाहिए बर्फी की हमें मैंने उतनी रखी है। अब इसको हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे। सेट करने से पहले मैं इस पे थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा दूंगी। मेरे पास इस तरह से रखा है तो मैं लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर चॉप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं या कोकोनट पाउडर लगा सकते हैं, जो आपके पास है वो लगाइए। बस इससे देखने में हमारी बर्फी अच्छी लगती है इसलिए लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सिल्वर वर्क लगा दूंगी। और सब सेट करने के बाद इसको हम 2 घंटे तक के लिए रख देंगे ताकि जब ये बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद हम इसे काटेंगे। तो मैं 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको छोड़ दिया था। ये सब अच्छे से सेट हो गया है। देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपकी बर्फी सेट नहीं हुई तो उसको और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसको कट करेंगे। तो जिस शेप में आप बर्फी कट करना चाहें उसमें कट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायमंड शेप में बर्फी कट कर रही हूँ। और जितनी आपको साइज चाहिए उस साइज के हिसाब से बर्फी को कट कर दीजिए। तो इस तरह से हम बर्फी को कट कर देते हैं। देखिए मैंने सारी बर्फी को डायमंड शेप में कट कर दिया है। अब हम इस बर्फी को ट्रे से निकाल के आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी हमारी बर्फी सेट हुई है। अब इस बर्फी को अगर अपने फैमिली में बनाते हैं और किसी को नहीं बताते हैं कि हम इसे पोहे से बनाया है तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसे पोहे से बनाया है। और इतनी टेस्टी बनती है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली पोहे की रेसिपी। तो इस तरह से मैंने सारी बर्फी को कट करके मैं ट्रे पे निकाल लूंगी। देखिए मैंने बर्फी को प्लेट पे सर्व कर लिया है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बर्फी, इससे कम तो है ही नहीं। अब इस पोहा संगम बर्फी को बनाइए। इतनी किफायती कि जब मन चाहे आप इसे बनाइए बस कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमारी बर्फी तैयार। और इतनी टेस्टी कि मुंह में जाए तो मिश्री की तरह बिल्कुल घुल जाए। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये पोहा संगम बर्फी कैसी लगी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।